સચિન ભાઈ પીછે રે ન ફ્લેશ આ હા દોડે છે સારું ભીડ સંતોષ સંતોષ એ પડું આસી જાવ સર આપ યાદ લે લે સર હા સર પૂરે જ मेरे पास देखिए यहाँ पे सर यहाँ पे फ्रेंड सबको मैं नमस्कार देना चाहूंगी। ये जर्नी शुरू हुआ था मुंबई से, जब गांव छोड़ के आई थी मुलुंड चेकनाका से शुरू हुआ था टोल गेट से, और ये आज पॉसिबल हुआ है इसलिए क्योंकि मेरे साथ मीडिया हाउस ने था, मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं था, मेरे साथ मेरी सोसाइटी नहीं था, लेकिन मेरी ओडिशा की जो मीडिया हाउस वो मेरे साथ थे, मेरी आवाज़ को जो ग्रास रूट से पूरा पार्लियामेंट तक, मेरे वॉइस को जो मेरी असेंबली तक लेके पहुंचे, और मेरे राइट्स को जो इंश्योर किए हैं, मेरी जैसे बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग के लिए आज एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं इसी मीडिया हाउस। तो मैं आप लोग को पहले धन्यवाद देना चाहूंगी और आपके सामने नमन करूंगी। थैंक यू। ये अभिमान नहीं है, फिर भी आज भी सोसाइटी को ये क्वेश्चन है मेरा, क्यों अगर एक बच्चा, वो लड़का हो या लड़की, पैदा होते हैं ये भगवान की सृष्टि की वजह से हो या क्रोमोजोम की, मेडिकल साइंस की सेंटेंस अगर यूज करेंगे, एग्जैक्टली एक ट्रांस फीमेल या ट्रांस मेल या एक किन्नर या एलजीबीटी कम्युनिटी या सेक्सुअल माइनॉरिटी, कोई भी सर्स वही प्रोसेस में आते हैं, हमारी क्या कसूर? अगर यहाँ पे बच्चे लोग की कदर किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे उनके ऊपर हम एक बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेरे साथ जी के एंटरटेनमेंट भी है, कृपाल जी और जी इधर हैं। तो आज मैं टाइम नहीं लूँगा और हम आगे बढ़ेंगे ये पोस्टर लॉन्च ये सब ये के लिए। तो मैं आज सभी को स्वागत करता हूँ कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं और आप सबका साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच मोहंती जी। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी स्वप्ना पाटी फाउंडेशन। क्यों बोलना चाहूंगी एसआर एंटरप्राइजेस, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की एक पार्ट हूँ। एंड स्वप्नापति फाउंडेशन के बारे में जो अभी बताया गया कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मीरा जी की इतनी बड़ी जर्नी देखी तो मैं उनको क्या बोलूँ, इनके साथ कभी मैं मिली नहीं थी, बट जब मिली हूँ हम दोनों साथ में आज एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, और उनकी जो जर्नी मैं उनसे आज सुनी, एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू आ गए। इनके साथ काफ़ी टाइम बिताई हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी, बट आज इनके जो काम और इनके भावनाओं में मैं बह गई, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एसआर एंटरटेनमेंट को, क्योंकि इन्होंने बायोपिक ऐसे एक इंसान के ऊपर, ऐसे एक चीज़ के ऊपर बनाना चाहा कि जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था, जो हमारे सोसाइटी में हमेशा नेग्लेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने सोचा, राजेश जी ने इसको कंसिडर किया, क्योंकि ये प्रपोजल जब मैं लेके आई थी तो मुझे लगा था कि वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई कैन से कि उनका जो हार्ट है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं, और मैं मेरा मतलब माँ दीदी सब कुछ है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि शी एग्रीड मतलब हमें ये बायोपिक उनके ऊपर बनाने देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही मैं बुलाना पोस्टर लॉन्च करना है, पोस्टर ले लो। हाँ सर, हाँ चलो सर। इस जर्नी को अंजाम देने वाले सभी शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक मिनट सर, हाँ सर, ये सर एक मिनट मैं बोलूँगा, ये रुक जाओ। ओके
बहुत बढ़िया नाम है और बहुत बढ़िया स्टोरी नजर आ रही है मुझे, पूछते भी काफी अच्छा है। तो आपकी जर्नी जो हमने सुनी, हम सब एकदम हाउस हो गए। कुछ बताइए इस टॉपिक के बारे में। सबको नमस्कार, मेरा नाम मीरा खान है। आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, अभी जो मेरी परिचय है, मीरा परिडा। लेकिन उससे पहले जब मेरे नाम था, जब माँ बाप ने नाम रखा था मायाधर परिडा करके, आप सभी को पता है कि एक ट्रांसजेंडर एक किन्नर की जो जिंदगी वो कितना मुश्किल जिंदगी है। आम किन्नर की तरह मेरी जिंदगी भी ऐसा था। माँ बाप ने चाह रहे थे कि 40 साल के पहले जो हमारी सोसाइटी का जो कंसेप्ट जेंडर इनइक्वालिटी को लेके, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पापा और माँ ने ये सोच रहे थे कि घर पे बेटा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ काम करेगा और घर की इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करेगा। लेकिन भगवान की शायद सृष्टि अलग था। जैसे जैसे मैं बढ़ते गई, ऐसे ही मेरी बायोलॉजिकली जेंडर के साथ मेरी मानसिकता और मेरी ब्रेन की ये नहीं था, समानत नहीं था, ये अलग था। मैं इंटरनली खुद को आज लड़की जैसे मैं सोच रही थी, वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुआ। ऐसा एक टाइम आया मुझे घर छोड़ना पड़ा 13-14 साल पे। मैंने भुवनेश्वर आई मेरे गांव से, भुवनेश्वर जो हमारी स्टेट की कैपिटल है, वहाँ पे आके खुद खाने के लिए मुझे मजदूरी करना पड़ा। वही उम्र पे कभी केला बेची, कभी पापड़ बेचा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे बहुत कुछ ऐसे चीज़ है, जैसे कि मेरे साथ कभी मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट भी सही हूँ। मैंने सुसाइड की अटेम्प्ट भी ली थी। मैंने घर छोड़ के आ गई थी मुंबई 22-23 साल पे। यहाँ पे आके मैंने टोल गेट नाका पे भी मांगी हूँ, लोकल ट्रेन पे भी भीख मांगी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये जिंदगी मेरा एक अलग जिंदगी है, मुझे कुछ करना है। वही किन्नर कम्युनिटी का ऐसा एक इंसान जो सारे दुनिया में काम, बहुत सारे किन्नर कम्युनिटी के लिए काम किए हैं, एक टाइम पे उनके साथ में मिली, वो मुझे बताए कि जिंदगी क्या है। फिर मैं जाके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन मिशन था कि स्टेट में जितने सारे ट्रांसजेंडर और किन्नर कम्युनिटी, उनको एक साथ पे लाके उनको समाज की मुख्य धारा पे शामिल करना है। अगर आप गूगल या यूट्यूब सोशल मीडिया पे देखेंगे, आज ये बात रिफ्लेक्ट हुआ है हमारी स्टेट में, बहुत सारे ट्रांसजेंडर किन्नर कम्युनिटी आज मुख्य धारा पे शामिल है। और ये खुद का जिंदगी का लड़ाई, डिग्निफाई लाइफ लीड करने के लिए जो जिद्दी था मेरा, वो कब एक युद्ध हो गया है। और कब से एक बेगर एक पॉलिटिकल लीडर भी हो गई मैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी चीफ मिनिस्टर जी को, जो जेंडर इक्वलिटी किए हैं, मेल फीमेल के साथ ट्रांस वोमेन किन्नर को भी इतना ही रेस्पेक्ट दिए हैं। आज नॉट ओनली ट्रांस कम्युनिटी और किन्नर कम्युनिटी, स्टेट में बहुत सारे लोग, कब मेरी सरनेम चेंज करके परिडा से मार रख दिया, ये आज मुझे मालूम पड़ रहा है। मैंने बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी राजेश सर, स्वप्ना और गौरव को। लेकिन उससे पहले मैं हर कोई महाराष्ट्र के इंसान को नमन करूंगी और ये मुंबई माटी को नमन करूंगी। अगर मुंबई नहीं होता दैट टाइम, शायद मीरा माँ आज ना होता। आपको तो मीरा माँ ही कहेंगे। और ये कहेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स के बाद लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपने जो लाया है और लोगों की मदद की वो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। मैं ये भी बताना चाहूंगी आप सभी लोग को, मेरी ये जो लड़ाई, ये सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी किन्नर कम्युनिटी के लिए नहीं था। अगर आप लोग के पास कभी भी टाइम मिले तो आप MWR मीरा परिडा सर्च कर लीजिए गूगल और यूट्यूब पे। मैंने HIV प्रिवेंशन के लिए काम की हूँ। मैं चाइल्ड राइट्स, वोमेन राइट्स, फार्मर इशू, ब्लड डोनेशन कैम्प, प्लांटेशन, स्वच्छ भारत, ऐसा कोई काम नहीं है जो काम के लिए, मुझे जो काम लगता है कि ये काम के ऊपर हम मुझे काम करना है। अभी आपके सामने शायद ये डिक्लेयर भी मुझे करना पड़ेगा, मैं चाह रही थी बाद में करूंगी, लेकिन ये मुंबई से फिर एक शपथ ले रही हूँ कि जितने सारे गरीब कैंसर लोग हैं, डेफिनेटली नेशनली उनके लिए मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ।
मैम, शी हैज फैंटास्टिक जॉब्स एंड शी इज एन आइकन, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब ये प्रोजेक्ट आया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एसआर इंटरप्राइजर या जेके एंटरटेनमेंट जो मिलके कर रहे हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि ये इस टाइप के स्टोरी हमारे पास आया, उनका सहमत आया। और मैं जब उनसे मिला, मैं उन्हीं के स्टेट से हूँ, मैं जानता था, मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ बात करूँ। ये तो अब हम सोच रहे हैं कि एक फिल्म में कैसे दिखाएं, जो स्वप्ना जी के साथ भी बात हो रहा था अभी, कि एक फिल्म में नहीं दिखा सकते इतने बड़े स्टोरी। और ये स्टोरी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी आगे भी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है और शायद ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आज तक नहीं आया। उसको हम उस अच्छे ढंग से, अच्छे ये से लाना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक बेगर से एक पॉलिटिकल लीडर और माँ की जर्नी क्या होता है। कितने घंटे की ये फिल्म होगी, क्या डिवीजन होगा, किस तरह से? अभी ये बहुत स्टोरी के स्टेजेस पे है, जब स्टोरी हो जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि कितना ये होगा। मगर हम सोच रहे हैं कि ये तो 2 घंटे में कभी नहीं हो सकता, उसको सिक्वल करें या करें वो बाद में आपके साथ आएंगे विद स्टार कास्ट एंड ऑल। आर्टिस्ट को कुछ प्लान किया है करने के लिए, कौन सा अच्छा आर्टिस्ट? अभी इसके लिए हमें बहुत सारा चीज़ें देखना पड़ेगा, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें चल रहा है जो हम डिसाइड करेंगे। मगर ये बहुत बड़ा एक स्क्रिप्ट को 2-3 घंटे में समझना और उसके बाद हम सर्च करना, मगर हम एक बड़े स्टार को लेके आएंगे, ये बाधा हमें हम करते हैं। सर, हमने पहले अक्षय कुमार जी को देखा है लक्ष्मी का किरदार निभाते हुए, तो क्या अक्षय कुमार जी भी कंसीडर है इस किरदार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी सब कुछ ओपन है, सब कुछ ओपन है, मगर पहले स्टोरी बने फिर चीजें। हमारा साथ कौन, ये क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमर्शियलिज नहीं है, ये पैशन है। क्योंकि इतने बड़े शख्सियत को हम दिखाने जा रहे हैं तो ये पैशन है, तो हमारे लिए सब स्टार ओपन है, सब चीज़ें ओपन है। वो हम बहुत जल्द आएंगे विद कौन सा प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, वो सब कमर्शियल लेके हम आएंगे। देखिए, मैं जैसे पहले बोली हूँ ऐसे ही बोलना चाहूँगी। मेरे सामने तो बहुत सारे एक्टर हैं जो कर सकते हैं, मैं पहले से भी बात की हूँ, ये थोड़ा फाइनल होने के बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि आज तक बहुत सारे जगह पे हम लोग ने देखे हैं, किन्नर कम्युनिटी और ट्रांस कम्युनिटी के बारे में जब आया है, बहुत सारे जगह पे कॉमेडी और इसके अंदर रखे हैं, नहीं तो कहीं पे बहुत सारे जगह पे बहुत नेगेटिव कैरेक्टर और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पैथी शो किए हैं हमने। वो थोड़ा सा बहुत इमोशनल होकर हमको ये दिखाए हैं। शायद ये पहला पिक्चर होगा जहाँ पे एक किन्नर कम्युनिटी की लोग भी ये कर सकते हैं, जो कि दुनिया के हर लोग की दिमाग में ये आ जाता है, ट्रांसमैन, ट्रांसवोमेन या किन्नर कम्युनिटी। और शायद ये लोग ट्रेन पे या रेल लाइट एरिया पे या ट्रैफिक पोस्ट पे या ढोल लेके बधाई और ब्लेसिंग, लेकिन ये थोड़ा अलग चीज़ है। क्योंकि ये जो रेगुलेशन अभी आया है सारे देश में, शायद 2014 के बाद जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आया, जहाँ जिसके बाद हम लोग को आज थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन मिला, उसके बाद बहुत सारे ट्रांस और बहुत सारे किन्नर मेनस्ट्रीम की तौर से आ रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर, पुलिस ऑफिसर, एडवोकेट, ऐसे बहुत सारे। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। स्वप्ना, राजेश और गौरव बहुत एक चेंज ला रहे हैं। शायद ये पिक्चर के बाद लोग सोचेंगे, अरे यार नहीं, बस हो गया, ये लोग भी हमसे और थोड़ा ज्यादा। कौन सा एक्टर आप चाहते कि करे आपका किरदार? मैं तो अगर ये बोलूंगी, मैं तो स्वप्ना को भी बोल सकती हूँ, क्योंकि उसकी एक्टिंग भी मैं देखी हूँ और ये पिक्चर भी बहुत सारी उसकी है। आज तक सिर्फ लड़के लोग हीरो लोग ही एक किन्नर की किरदार की है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो बहुत आभारी होंगी अगर स्वप्ना ने हाँ कर दिया। बात ये नहीं कि सिर्फ बड़े एक्टर करने से पिक्चर होगा, लेकिन आज की सोसाइटी का जो है, हाँ ये स्टार सुपरस्टार होने से उनके नाम पे पिक्चर चलेगा, लेकिन ये मैं भी बहुत
खुद महसूस कर रही हूँ। राजेश जी ने जैसे बोले कि ये सिर्फ कमर्शियल नहीं है, हम लोग एक सेटअप करने के लिए चाह रहे हैं जहाँ पे किन्नर कम्युनिटी के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन जो स्टिग्मा वो कम होगा। तो ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, ये प्लान के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से वही जाना पड़ेगा, बिकॉज आई नो व्हाट इज द लीगली एवरीथिंग एंड आल्सो राइट्स एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली आपको ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिलेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस प्रकार से इस मुहिम में जुड़े हैं और आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सर बेसिकली जब मैंने ये सुना था, तो जैसा कि अब तो आप सब भी जानते हैं कि इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही हुई है। अभी मैम ने बताया दो बार मौत को छू के वापस आना, ये दो ही लोगों के लिए पॉसिबल है, या तो जो अमर है या जिनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंस्पिरेशन मिली बहुत ज़्यादा, और बस वही इंस्पिरेशन के साथ में इनके साथ जुड़े कि कुछ लोगों को इनकी जर्नी दिखाएं, जो नहीं देखी है वो फील कराएं कि क्या अनदेखा रहा है। तो बस वही एक मोटिवेशन मिला और हम साथ में जुड़े। सर कितनी मतलब फिक्शन रहेगी, कितनी ओरिजिनल रहेगी फिल्म, कोई ओरिजिनल रहेगी या फिर क्या? फिक्शन तब ये होता है जब आपके पास स्टोरी नहीं होता है। ये इतने स्टोरीज है कि हम क्या रखें क्या बात दें, कुछ तो बात देना पड़ेगा, तो कोई भी फिक्शन नहीं रहेगा, ओरिजिनल स्टोरी रहेगा। सर बहुत कुछ सुन लिया हमने, शूटिंग कब से शुरू होगी, कहाँ होगी, इस बारे में ये पहले स्क्रिप्ट खत्म हो जाए फिर हम आपको बताएंगे कि शूटिंग तो बॉम्बे में और उड़ीसा में और दिल्ली, जो उनकी पूरा लाइफ है वहीं से हो गया ओरिजिनल। बचपन से पूरी कहानी स्टार्ट, हाँ बचपन से ही होगा, क्योंकि बचपन से ही दिखाएंगे, क्योंकि ये कहानी है एक बेगर से एक माँ की जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी, यहाँ से वहाँ तक का जर्नी, तो वो हम पूरा दिखाएंगे। सर मैं एक ये भी जानना चाहूँगा, एक फिल्म के लिए फिल्म में गाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एग्जैक्टली कौन से सॉन्ग्स होंगे या क्या सिंगल्स में आपने पसंद किए हैं, कुछ अलग सेट किए हैं, ये गाने इस तरह के गाने ले रहे हैं? क्योंकि इनका साथ भी एक इमोशनल चीज़ें हैं, उनके साथ भी लव स्टोरी है, सब कुछ है, तो वो भी दिखाएंगे। अभी उसका साथ भी बड़े सिंगर को लाएंगे और गाना जरूर रहेगा, सॉन्ग के बिना कोई फिल्म बनता ही नहीं है। मैं तो थोड़ा ऐड करूंगी राजेश जी के साथ, ये सीरियसली आप लोग को बोलना है मेरा, आज तक जो पिक्चर हम लोग ने देखे हैं ट्रांसर किनर कम्युनिटी को लेके जो पिक्चर हुए हैं, शायद उसमें लव स्टोरी डांस ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो सक्सेस मई लव स्टोरी, तो डेफिनेटली ये चीज भी आप लोग देखेंगे कि एक किन्नर की भी सक्सेस लव स्टोरी हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली तो डांस और सॉन्ग रहेगा वो भी है। एक लास्ट सवाल, पब्लिक के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपका जो एक स्ट्रगलिंग लाइफ था और आज आपने काफी कुछ अचीव किया और भी अचीव करने वाली, वैसे लोग जो जद्दोजहद में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, उनके लिए क्या मैसेज? देखो ये सिर्फ जनता को नहीं, मैं टोटल सोसाइटी, टोटल सिस्टम को बोलना चाहती हूँ। आप क्यों ठीक लेके रखे हो कि ये मेल ये फीमेल, आप ये पैंट पहनोगे ये साड़ी पहनोगे, भाई हम भी इंसान हैं, और ये जिस तरफ से आप लोग पैदा हुए हो हम भी हैं, हमसे हमारे हक मत छीनो भाई, हम भी इंसान हैं, हम ना कोई लैबोरेटरी की ये पे टेस्टिंग से हुए हैं या कोई एलियन बाहर से आए हैं, हम भी इंसान, हम भी माँ बाप की वही संगम से सृष्टि है, तो प्लीज़ हमको एज ए ह्यूमन ट्रीट कीजिए। और मेरी कम्युनिटी को भी मेरी ये रहेगा रिक्वेस्ट, हम भी इंसान, अगर मेरी प्रेजेंसी आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे डरना नहीं, बिंदास देना है, क्योंकि भारत में जो हमारी जो संविधान उसमें ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के साथ बहुत कुछ चीज़ है, मेल फीमेल वहाँ पे जेंडर मायने नहीं रखता, आज देश इक्वलिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो आज टाइम आया है चेंज के लिए, यहाँ पे हर किसी का राइट से वो डिग्निफाई लाइफ लीड कर सकता है। विशेष होगी इस फिल्म के लिए, मीरा माँ का नाम ऑलरेडी जुड़ चुका है फिल्म के साथ, क्या क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की तरफ से और
जब आपको बताया गया कि इस तरह की स्टोरी है तो क्या रिएक्शन था, क्योंकि एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आपको? डेफिनेटली जैसे कि आप सबने सुना कि मीरा माँ की जो जर्नी है बेघर से लेके मीरा माँ तक का सफ़र, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए, इसको पोर्ट्रे करने के लिए, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा एक एक्टर के लिए। आज तक जितने भी फिल्म देखे एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है ट्रांसजेंडर के ऊपर या किन्नर के ऊपर, बट ये एंटायर लाइफ जर्नी रहेगा एक ट्रांसजेंडर का, और इसके अंदर लव, रोमांस, एक्शन, सब कुछ, ये फुल पैकेज में एक मूवी होगा। तो इसके लिए SR एंटरप्राइजेस और JK एंटरटेनमेंट काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, और आई होप ये इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेके आएगा ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस इसको बार बार देखने चाहेंगी। और मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूँगी कि मीरा माँ की जो जर्नी आज तक के, जो मीरा माँ तक का है, और इसके आगे जो मीरा माँ पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो इसका भी सीक्वल बनाएंगे SR प्रोडक्शन हाउस। तो सबको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और मोस्टली प्रोडक्शन हाउस को मैं बेस्ट विशेस करना चाहूँगी, और थैंक यू टू मीरा माँ टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। सर, मीरा माँ ने ये कहा है कि ये किरदार जो है अक्षय या बड़ा का एक्टर नहीं करेगी, आप करेंगे उसको, संभावनाएं हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये उनकी बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए प्यार है कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, बट मोस्टली ये प्रोडक्शन हाउस का जो भी डिसीशन होगा, और प्रोडक्शन हाउस से ज़्यादा सबसे बड़ा आज के डेट में जो भी OTT होगा या जो भी इसको खरीदना चाहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, ये काफ़ी लंबी प्रोसीजर है। डेफिनेटली आई एम नॉट डूइंग दिस मूवी, ये मैं क्लियर कर रही हूँ। ये कह रहे कि आज तक लड़कों ने नहीं किया, मैं एक्टर नहीं किया है, पहली बार कोई लड़की मतलब ये किरदार करेगी, कर सकती है, क्योंकि सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने साड़ी लेके मैंने बुलेट चलाती हूँ, मैं दुनिया को ये दिखाने चाहती हूँ कि भाई हम किसी से कम नहीं। मैंने साड़ी लेके अशोक लेलैंड ट्रक भी चला लेती हूँ, मेरी खुद का गाड़ी मैंने, क्योंकि लोग का कहना था ये कि तुम छक्के, तुम मामू, तुम गांडू, हिजड़े, ऐसे जो जो कॉमन वेरी बैड लैंग्वेज। आज तो मैंने हिजड़ा और किन्नर शब्द को मैं रेस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि ये हमारी अस्तित्व, और वो अस्तित्व को हमने कायम रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कायम रखे हैं ये लैंग्वेज को लेके। लेकिन जो बैड लैंग्वेज जो टीच कर रहा था, ये भी मेरे लिए चैलेंज था। तुम बुलेट चला रहे हो ना लड़के लोग, देखो मैं भी बुलेट चलाती हूँ, तुम कंप्यूटर में काम कर रहे हो, मैं भी कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, आप लोग इतने पढ़ाई करके कॉलेज पे जाके इंग्लिश कह रहे हो, हम मैं सिर्फ 8 तक पढ़ाई करके भी मैं इंग्लिश कह सकती हूँ। तो ये जो चैलेंज, हर टाइम लड़के तो बुलेट चला लेते हैं, ये कहने का ये था मेरा, मैंने कंफर्म नहीं किया कि एक हीरोइन भी कर सकती है, नॉट ओनली अक्षय कुमार और एनी सुपर स्टार वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई हीरोइन भी कर सकती है। ठीक है, होपफुली मैं भी कुछ कर सकती हूँ इस मूवी में, नॉट एग्जैक्टली द मीरा माँ कैरेक्टर, मे बी सम अदर कैरेक्टर आई कैन प्ले। ये मैंने वही पहले से ही क्लियर किया कि ये ऐसी एक फिल्म होगी जिसमें सिर्फ दुख नहीं दिखाया जाएगा, फुल रोमांस, एक्शन, सब कुछ दिखाया जाएगा, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सारे चैनल तो एक्सेप्ट करते हैं, ये फिल्म का चैनल आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप क्यों आगे बढ़ा फिल्म नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती। उससे पहले मैंने उड़ीसा मीडिया हाउस पे भी आप देखेंगे, मैंने बहुत अच्छा लोकल TV पे बहुत अच्छा एंकरिंग भी कर की हूँ, जो ट्रांस जो खुद को ये किए हैं, एस्टेब्लिश किए हैं, और वो प्रोग्राम हाई TRP है, वो प्रोग्राम का नाम है भिन्न मन से भिन्न मरो कथा। तो ऐसे बहुत सारे ये भी मैं गाना भी की हूँ, मैंने छोटे छोटे सीरियल पे भी एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन आज का टाइम पे मेरे ऊपर जितना प्रेशर और वर्क प्रेशर, इतना बिजी पॉलिटिक्स से लेके सोशल वर्क तक, मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी मैं नेशनल ट्रांस काउंसिल हूँ, पूरा ईस्ट रीजन का मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के अपॉइंटमेंट के अंडर जो आ रहा है, मैं पूर्व भारत की ये काउंसिल मेंबर भी हूँ। तो इतने सारे काम, और मेरी जो मेन काम है एज ए सोशल वर्कर, वो सब छोड़ के इतना टाइम दे नहीं पाऊंगी, उसको छोड़ के मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है
जिसने मुझे सपोर्ट किया था वो एक्चुअली अभी कैंसर पे सफर कर रहे हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट, इसलिए मैं मुंबई और ओडिशा, टाटा मेमोरियल से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से टाटा मेमोरियल, तो इसलिए, नहीं तो मैं भी कर लेती, लेकिन इसको और कोई, और मैं करने से ना लोग थोड़ा हाँ ये तो मीरा मां हो, ये नहीं, और कोई करने से अच्छा होगा।